हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज गैस्ट्रॉल सिरप। आज मैं इस वीडियो में आपको गैस्ट्रॉल सिरप के बारे में सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसे कैसे लेना है, इसे कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन डिजीज में ये जो है काम में आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो है आप इन्फॉर्मेटिव रहे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रॉल सिरप। सबसे पहले मैं गैस्ट्रॉल सिरप की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो पैकिंग है वो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं ये गैस्ट्रॉल सिरप लिखी हुई है और ये ऑडियो फार्मा के द्वारा बनाई गई एक सिरप है जो कि गैस के लिए, जैसा कि इसका नाम है गैस्ट्रॉल, आप कुछ गेसिंग कर सकते हैं, ये गैस के लिए एसिडिटी के लिए बहुत जबरदस्त एक मेडिसिन है। तो वो जो है बहुत अच्छी दवाई बनाई गई है गैस के लिए। हाई लेवल की गैस हो या मीडियम हो, किसी भी तरह का गैस हो, ये जो है गैस के प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो है सिर्फ गैस ही नहीं, ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स में है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, डियोओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक के दर्द, गैस्ट्राइसिस अल्सर की पुराने से पुराने प्रॉब्लम को भी ये दूर करने की क्षमता रखती है। ये इतनी पावरफुल मेडिसिन है। और जो है डिस्पेसिया में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और जो है, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं गैस्ट्रिक अल्सर जैसे कि आप जानते हैं, ये सब चीज़ों में भी अगर सही टाइम में ट्रीटमेंट ना हो तो जो है आपका सिचुएशन जो है वो ऑपरेशन तक पहुंच सकती है, और नहीं तो बहुत हाई लेवल हाई डोजेस आपको लेने पड़ते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके शरीर में होते हैं। और अगर आप इस गैस्ट्रॉल को मतलब लेते हैं गैस के इन सब बीमारियों में, तो आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये 100% नेचुरल है और आयुर्वेदिक तरीके से इसे बनाया गया है। और जब इन बीमारियों में ये काम करती है तो ये बहुत अच्छी एक आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि ये जो है गैस्ट्रिक अल्सर जो है कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत दवाइयाँ लेने के बाद, यहाँ तक कि ऑपरेशन होने के बाद भी ये ठीक नहीं होती है और समस्या जो है वो आपकी बरकरार रहती है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में ही इस सिरप का सेवन शुरू कर देते हैं तो इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जो है आपको छुटकारा मिल सकता है। और भी जो है छाती में जलन, हल्का डायरिया रहना, पेट में दर्द, इन सब समस्याओं से भी जो है ये आपको रिलीफ दिलाती है। और ये सिर्फ गैस में ही नहीं, ये सब प्रॉब्लम में भी ये असरदार है। और जो है इनडाइजेशन को भी ये ठीक करती है, यानी कि अपच की समस्या अगर आपको है, अगर आपका जो है फूड डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, अगर आपकी जो है पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसमें भी ये सिरप जो है बहुत अच्छा काम करती है अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो। ये जो है इन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। और जो है ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डायरिया की समस्या कई बार इनडाइजेशन की वजह से भी या हाई एसिडिटी की वजह से भी लोग परेशान रहते हैं, डायरिया हो जाती है, बार बार बाथरूम जाने की टेंडेंसी होती है और वो बहुत गिल्ट फील करते हैं, तो इस सिचुएशन में भी जो है ये सिरप बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार है। अगर आप इसे रेगुलरली लेते हैं तो आपकी डायरिया की समस्या भी जो है वो ठीक हो जाती है। और तो और ये पूरे IBS को ठीक करती है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होती है, पूरे आपकी बाउल की, पूरे पेट की, पूरे स्टमक की कोई भी परेशानी रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड समस्या हो, ये सब को जो है वो ठीक करती है। तो आप इसे बेहिचक ले सकते हैं और गैस और पेट के जितने भी रोग होते हैं उन सारे रोगों में ये उपयोगी है। और भी कई चीज़ों में ये जो है बेनिफिट देती है, जैसे कि कंस्टिपिकेशन, अगर आपको कंस्टिपिकेशन या कब्ज की शिकायत है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो है इसके यूज से धीरे धीरे आपकी कंस्टिपिकेशन की समस्या भी धीरे धीरे कम होते होते आप खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़े दिन तक पेशेंसफुली इसको लेना होगा। तो ये थी इनके बारे में जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों को ठीक करती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ये ठीक करती है वो है खून की कमी। ये खून की कमी को भी ये सिरप जो है वो दूर करती है। अगर आपको खून की कमी की शिकायत है और आप इस सिरप का सेवन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी खून की कमी भी धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जा रही है।
तो ये सारे सारे चीजों के लिए जो है मतलब आपके पेट से लेके गैस तक सारी समस्याओं के लिए एक ही मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। आपको गैस की समस्या के लिए मुट्ठी भर मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिरप से ही जो है आप इन सब चीजों से कई कई बड़ी बीमारियों से भी और गैस की परेशानी से भी जो है छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक सिरप का सेवन करना है, वो है गैसनॉल। तो ये थी इसके बारे में सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया। अब जो है इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो मैं बताना चाहूंगी। प्रिकॉशन यही है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन है यानी कि जो माँ बनने वाली है या तो जो लैक्टिंग वोमेन है यानी कि जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उन्हें इस सिरप का सेवन नहीं करना है। और जो है बच्चों से भी आपको इस सिरप को दूर रखना है क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एडल्ट के लिए है और बच्चों को इसे आप बिल्कुल भी न दें। और जो है और मैं इसके अब डोजेस के बारे में बात कर लेती हूँ, इसके डोज यानी कि कैसे इसे आपको लेना है। ये देखिए इसके डोज के लिए मैं दिखाती हूँ, ये इसमें कुछ ml बने हुए हैं, 10, 15, 25 इस तरह के ml है। तो आप 10 से 15 ml तक यानी कि 10 से 15 ml तक रोज जो है 3 times a day आप ले सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर और शाम 3 बार आप ले सकते हैं इसे 10 to 15 ml। इसी से आपको रिलीफ हो जाएगी और खाना खाने के 10 मिनट पहले आप ले लें तो ये और बेटर काम करेगी। और इससे भी अगर आपकी समस्या बरकरार रहती है, आपकी प्रॉब्लम में आपको कुछ दिनों आप लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इसका डोज जो है और ज़्यादा सेट कर सकते हैं और रिकमेंड करवा सकते हैं, तब आपको और ज़्यादा फायदा होगा। और जो है ये एक बात और मैं बताना चाहूँगी इसी के साथ कि जब आप इस सिरप का जो है इस्तेमाल शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है आपके टंग का कलर यानी कि आपकी जीभ का कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाए और आपकी जो पॉटी है वो भी जो है ब्लैकिश होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि ये सिर्फ सिरप का एक्सटर्नल जो है इफेक्ट है, इससे कोई भी हानि आपके शरीर को नहीं पहुंचेगी और ये बहुत जनरल कॉमन है सिरप को लेने के बाद। तो आप अपने सिरप को लेना जो है वो कंटिन्यू रखें, बंद ना करें और पेशेंसफुली लेते रहें, तभी आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्म इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार लोग ऐसा देखने के बाद जो है इंस्टेंट सिरप को बंद कर देते हैं तो इससे जो है उन्हें लाभ नहीं मिल पाती है। तो ये थी इसके बारे में सभी जानकारियां जो मैंने आपको दी। अब मैं इसके प्राइस के बारे में बात कर लेती हूँ। ये देखिए इसकी जो प्राइस है वो है 185 रुपीज, यानी कि 185 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है और नहीं तो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान से इसे ले सकते हैं, ये कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और किसी को भी अगर आपके फैमिली में इस तरह की शिकायत है तो इंस्टेंट आप उन्हें देना शुरू करें, उन्हें बहुत लाभ होगा आप देख सकेंगे और जो है वो बहुत आपके थैंकफुल हो जाएंगे। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी न्यू मेडिसिन की रिव्यू मैं आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी और आपके हेल्थ रिलेटेड होंगी और आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। सो हमारे साथ आगे भी बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय।